हेलो नमस्ते, पूनम्स किचन में आपका स्वागत है। तो सूजी का उपमा बनाने के लिए यहाँ पर कढ़ाई को गर्म होने देना है। 2 चम्मच यहाँ पर डालेंगे तेल। तेल गर्म होने के बाद सूजी डालेंगे। सूजी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस सूजी को धीमी आंच पर ही हम इसे 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। सूजी का हल्का सा कलर आना चाहिए, हल्का ब्राउन कलर, और सूजी की एकदम अच्छे से बढ़िया से स्मेल आता है, अच्छी सी खुशबू। तभी इसे अच्छे से भुनी हुई सूजी को हम बाद में निकाल देंगे। तो चलिए सूजी को अच्छी तरह से हम भुनेंगे। देख सकते हो आप, सूजी हमारी तैयार है। अभी सूजी को हम अच्छी तरह से भुनने के बाद उसी बाउल में निकाल देंगे। ये देखिए निकाल दिया है। यहाँ पर उसी कढ़ाई में हमने 3 चम्मच डाला है तेल। तेल को गर्म होने दें और यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी राई। राई को थोड़ा सा चटकने दें, क्रैकल होने दें। और फिर 1 चम्मच यहाँ पर डालेंगे उड़द की दाल। उड़द की दाल डालने से बहुत ही बढ़िया मुंह में स्वाद आता है, दाल जब आती है तो। दाल को धीमी आंच पर ही अच्छे से भून लेंगे, हल्का सा कलर आ जाएगा। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। 1 बड़े प्याज को बारीक काट कर डाला है और 4-5 हरी मिर्च को यहाँ पर हमने कट करके डाला है। प्याज हरी मिर्च को भी अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे अदरक, बारीक कट करके यहाँ पर अदरक डालेंगे। अदरक डालने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अदरक और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे। फिर से एक बार अच्छी तरह से भून लेंगे सारी चीज़ों को। अब यहाँ पर डालेंगे फ्रेश हरा मटर। आप चाहो तो फ्रोज़न मटर का भी यूज़ कर सकते हो। मटर डालने के बाद भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब यहाँ पर डालेंगे हम टमाटर। 1 टमाटर को बारीक काट करके डालना है। टमाटर मटर सारी चीज़ों को फिर से हम अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ी देर सारी सब्जियों को भूनने के बाद इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी। नमक डालेंगे स्वादानुसार और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्दी से अच्छा कलर आता है, आपको नहीं डालना है तो स्किप करें तो भी चलेगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे फिर से। सारी सब्जी भुनने के बाद यहाँ पर डालेंगे मूंगफली। मूंगफली को यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट किया है, आप चाहो तो फ्राई करके भी डाल सकते हो। और यहाँ पर डालेंगे पानी। 1 ग्लास से ज़्यादा यहाँ पर मैंने पानी डाला है। आपको उपमा थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा डालें। और उबाल आने दे, हाई फ्लेम पर उबाल आने दे और 1 चम्मच से मिक्स करते हुए चलाते हुए 1 चम्मच से सूजी डालेंगे जो हमने भून के रखा था। और अच्छी तरह से इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। इसके छींटे उड़ते हैं तो ध्यान रखकर ही इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देख सकते हो आप, हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद थोड़ा सा बारीक फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे।
और अच्छे से मिलाएंगे और इसे आधे एक मिनट के लिए धीमे आंच पर रखेंगे ढककर। ढक्कन को हटाएंगे और गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। देख सकते हो आप झटपट से एकदम तैयार है उपमा हमारा, और एकदम परफेक्ट रेसिपी है। इस तरह से आप उपमा ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है और एकदम आसान तरीका भी है। तो सर्व करने के लिए तैयार है। ये देखिए हमने प्लेट में निकाल दिया है उपमा, देखा ना आपने कितना परफेक्ट टेक्सचर आया है, एकदम दानेदार बना है उपमा, और दिखने में भी और टेस्ट में भी बहुत ही डिलीशियस, एकदम टेस्टी बना है और एकदम कम सामान में और एकदम झटपट से आप इसे नाश्ते के लिए बना सकते हो बिना झंझट के। एकदम कम समय में एकदम जल्दी से ये बनता है और बहुत ही आसान तरीका है। थोड़ा सा हरा धनिया से इसे सजाएंगे। तो देखा ना आपने कितना परफेक्ट और एकदम डिलीशियस बना है और एकदम आसान भी तरीका है। इस तरह से ज़रूर बनाइए और लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।